प्रोफेसर राजन भी हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ जाऊंगा कि जब हम चाहे क्वाड की बात करें, असस की बात करें, एक चीज कॉमन नजर आती है कि अगर परेशानी दुनिया में कहीं है तो वो चीन को लेकर आती है और आतंकवाद की जड़ जो है वो पाकिस्तान में नजर आती है। उसके बावजूद तालिबान के साथ खड़े होना, दुनिया भर में एम्बैरेसमेंट करवाना, क्या ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही? क्योंकि तमाम जो मीटिंगें हो रही हैं इनका कम से कम जो बेस है वो यही नजर आ रहा है। जी, पाकिस्तान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान किस ढंग से अफगानिस्तान का जो एक क्वागमायर होता है उसमें फंसता जा रहा है। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान को एक चीज समझनी चाहिए थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, वो यह है कि जितने भी बड़े बड़े एम्पायर वहां पे इन्वॉल्व हुए हैं अफगानिस्तान में, उनका किसी ना किसी ढंग से पतन हुआ है, ह्यूमिलेशन हुआ है। आप ब्रिटेन से लेके, अमेरिका से लेके, आप अभी सोवियत यूनियन को भी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स को शायद कंट्रोल में रख पाएगा, अभी जिस ढंग से वो हकानी नेटवर्क के माध्यम से कर पा रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान में रेडिकलिज्म की समस्या, रेफ्यूजी की समस्या और टेररिज्म की बात जो आप कर रहे थे कि वहां के जो टीटीपी और दूसरे जो इस ढंग के ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां पे ये समस्या बहुत ही खतरनाक तरीके से इमर्ज करने वाली है। और मुझे सच में यह संदेह है और मुझे डर लगता है कि पाकिस्तान में जो मूवमेंट अगर होता है, ड्रोन लाइन पश्तूनिस्तान के लिए अगर मूवमेंट होता है, तो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी बिल्कुल खतरे में चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन हैं, हमारे साथ शिकागो से लाइव हैं। पूर्णिमा जी, किस तरह से आप भारत अमेरिका के रिश्तों के मद्देनजर इस दौरे को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमारा रुख बिल्कुल साफ है, दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक तरह की मुहिम भारत ने छेड़ रखी है, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। पीएम मोदी का आपने ताजा बयान भी देखा होगा। ऐसे में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गठजोड़, ये मित्रता, ये किस मकाम पर जाती हुई नजर आ रही है आतंकवाद के खिलाफ? देखिए, इलेक्शन से पहले बोथ कमला हैरिस और जो बाइडेन इस्लामिस्ट के साथ दिया है, कश्मीर का नारा उठाया है। किसी ने कहा है कि अनरिटन एजेंडा होना है और आतंकवाद के ऊपर। मुझे तो लगता है कि अनरिटन क्यों, अब ये तो रिटर्न होना चाहिए, पार्ट ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। इट इज वेरी सीरियस। अभी चीन जो गठबंधन है ना, इनका जो दोस्ती है, चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और टर्की, ये जो हो रहा है इन दिस इंडो पैसिफिक एरिया में, इट्स वेरी डेंजरस। और इंडिया की जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड प्लेयर बन चुका है और इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज नाउ। यूएनएससी में उनको परमानेंट सीट मिलना ही चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से 2026 में चाइना तो पूर्णिमा जी, डोनाल्ड ट्रंप के दौर वाली सख्ती की उम्मीद मौजूदा प्रशासन से आप करेंगी कम से कम इस दौरे के बाद? देखिए, मेरे हिसाब से तो कमला हैरिस का टोन चेंज होने वाला है, ठीक है। और बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो हमारे इलेक्शन से पहले जो इंडिया जो लपझप कर रहे थे, कमला हैरिस इंडियन हेरिटेज है, वो कभी अपने आप को इंडियन नहीं बताया, वो साउथ एशियन बताता है। चलिए ठीक है, आपके सवाल को मैं अनीश जी के पास ले चलता हूँ, एक जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एक सियासी राजनेता भी हैं, आपकी भी अपने अपने एक हिस्सा है, एक जवाबदेही है। अनीश साहब, जरा ये समझाइए कि बदले हुए दौर में, क्योंकि पिछली बार जब पीएम मोदी वहां गए थे स्थितियां अलग थी, अब अफगानिस्तान की स्थिति चाहे यहां एशिया में बात कर ली जाए या अमेरिका में जो बदला हुआ माहौल है, उसमें भारत के लिए क्या होप है और क्या चुनौतियां वहां पर हो सकती हैं अगर देखा जाए इस वक्त इस दौरे में? जी, मैं समझता हूं कि अभी इट इज येट टू बी फाउंड। मैं इस वक्त बड़ी गहराई से देख रहा हूं कि जो साइड लाइंस मीटिंग्स होंगी और उसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज है नेताओं की, उससे हम बहुत कुछ नतीजा निकाल पाएंगे। और मुझे ये लगता है कि दुनिया बदल चुकी है, लोगों की समझ में आ चुकी है, दुनिया बल्कि तकसीम हो चुकी है अमन पसंद लोगों में, यानी कि पीसफुल नेशंस और टेररिस्ट फैनेटिक्स सोच रखने वाले लोगों को। नहीं, बट लेकिन टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई में बड़े सारे सुपर पावर एक साथ है, क्योंकि जब नए गठबंधन को देखते हैं तो वहां फ्रांस नाराज नजर आता है, भारत जो है वो अभी भी ईरान और रशिया के साथ तालमेल बना के रखना चाहता है। ऐसे में क्या सभी बड़ी ताकत जो है एक साथ अफगान तालिबान या कहें कि चाइना खिलाफ मिलकर लड़ सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इस वक्त तीन बड़े अहम जो खतरे हैं वो तीन हैं। एक है COVID-19 जिससे हम सब भुगत रहे हैं, दूसरा है फैनाटिसिज्म यानी कि इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म, और तीसरा है चाइना का एडवेंचरिज्म। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान को या तालिबान को कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं सीधा सीधा जो उनके परपेट्रेटर हैं, जो उनको फंड करते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उस एजेंडे को टो करते हैं, वो उनकी बात करूँगा, यानी कि चाइना को। इस वक्त चाइना दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और मैं समझता हूँ कि लोगों के नज़दीक ये जो स्मॉल स्टेक प्लेयर हैं,
पाकिस्तान और तालिबान इस तरह के जितने भी लोग हैं शायद वो उनको इतनी अहमियत ना दें जो गुफ्तगू उनकी होगी बंद कमरों में। बिल्कुल ज्यादातर बात ये होगी कि बिल्कुल आपने ये कहा कि चीन इस वक्त दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और पिछले कुछ दिनों के इंसिडेंट्स जो हैं वो ये साफ जाहिर करते हैं। यही वजह है कि जब क्वाड मुल्कों की आपस में मीटिंग होगी तो चीन जो है वो टकटकी लगाकर ये देखेगा कि क्वाड मुल्क आपस में क्या बात करते हैं और उसके बाद जब एजेंडा सामने आता है तो उसमें चीन का किस तरह से और क्या जिक्र होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।